कितनी भोली हो तुम, जो इस भयानक युद्ध के समय में भी उसकी गंभीरता का नहीं, माता के कर्ण के आभूषण का विचार कर रही हो। क्या करूं गणेश जी, वो थे ही इतने सुंदर। तब तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी इच्छा माता से कहती, उसके पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए। किंतु माता तो सभी माताओं की माता है, उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, और तुम्हारी जैसी भोली भक्त की प्रार्थना तो वो अवश्य सुनेगी। तो माता मुझे वो आभूषण दे देगी? गणेश जी, अब मैं प्रसन्न हुई, तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी। क्योंकि आप ऐसे ही मोदक खाते रहे तो आपका पेट ना फट जाए। माता, अब तो प्रभु का मोदक खाना हमें रोक नहीं होगा। किंतु यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो गणेश का वचन भंग होगा, और मैंने यदि कुछ नहीं किया तो गणेश को हानि पहुंचेगी। अब तो मेरी इस दुविधा का समाधान माता पराशक्ति ही कर सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं अभी माता पराशक्ति के निकट जाकर उनसे सहायता मांगता हूँ। हमें इसका उपाय करना ही होगा। इस प्रकार कब तक मोदक खाते रहेंगे आप? आपके खाने के बाद भी इस मोदक की संख्या कम थोड़ी ना हो रही है। मैंने वचन दिया है, जब तक इस पात्र में मोदक समाप्त नहीं होंगे, मैं उन्हें ग्रहण करने पर विवश हूँ। रश्मि प्रभा, इस अक्षय पात्र की कोई भी सामग्री कभी नहीं घटती। इस समस्या का एक समाधान है। झूठे पात्र में अतिथि को भोजन परोसना पाप है, इसलिए यदि अक्षय पात्र छूटा हो जाए तो वो अपनी पवित्रता खोकर एक साधारण पात्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो मोदक उत्पन्न नहीं कर सकेगा। सूझ गया उपाय। मैं पिताश्री से कहूंगी, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए वो आपको वचन मुक्त कर दे। आज वो जब मुझे बचा रहे थे, उन्होंने मुझे वचन दिया था, वो सदा मेरी रक्षा करेंगे और वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, वो मेरी बात कभी नहीं डालेंगे प्रभु। इसका पिता जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है, उसे मेरी कोई चिंता नहीं, किंतु इस निर्दोष बालिका का सरल हृदय मेरी चिंता से कितना व्याकुल है। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। जाकर पिताश्री को मनाती हूँ। भंडासुर अपनी पुत्री को दिया वचन भले ही ना निभाए, किंतु मुझे तो इन मोदकों को खाने का वचन निभाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। रुकिए मोशक जी, अमरपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको सहायता चाहिए होगी। माता, ये पतंगा मेरी सहायता करेगा। हाँ मूषक जी, आप इस पर सवार हो जाइए, ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। उचित है माता। चलिए
पतंगे महोदय, उड़ान भरिए। मुझे विश्वास है अब माता के आशीर्वाद से मूषक जी अवश्य सफल होंगे। ये मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक होता जा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। संभलिए पतंगे महोदय, हम तो सीधे इस काक के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें आहार बनाने पे आतुर है। देखा, दोनों को बचा लिया ना मैंने। मुड़िए पतंगे महोदय, मुड़िए, हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं जो स्वयं विघ्न आता है, फिर भी हमारे मार्ग में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, अब तो इस संकट से आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ओ, समझ गया। ओम गण गणपते नमः। ओम ओम गण गणपते नमः। देखा पतंगे महोदय, प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करने से हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया ना। अब हम अवश्य इस राजभवन में प्रवेश कर सकेंगे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगी? शीघ्रता कीजिए पतंगे जी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये काक फिर क्यों लौट आया? ऊपर उड़िए पतंगे जी। पाल पाल बच गए। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुनः रक्षा की हमारी, अन्यथा बस हो जाते या इस काक का हार बनते। किंतु अब तो इस सुरक्षा कवच को भेद कर हमें अंदर जाने की कोई युक्ति सोचनी होगी, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं लौटूंगा। मैंने तुम सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम वो दृश्य देख सको जिसके कारण मैं आज की पराजय के बाद भी इतना निश्चिंत था। भीतर ही नहीं जा सकूंगा तो प्रभु की सहायता कैसे करूंगा? पतंगे महोदय, माता ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा था, तो मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे उल्टी दिशा में क्यों ले जाने लगे? मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस पर सवार हो जाइए।
ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। पतंगे भागे। मैं आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब जगह ढूंढ लिया मैंने पिताश्री को, किंतु कोई नहीं मिले पिताश्री। अब मैं गणेश जी के साथ कैसे कर पाऊंगी? मूषा, रुक जा। मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ, मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है, तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो, उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, ये समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा, कि तो हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हाँ, हम भी तैयार हैं पिताश्री। हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं, मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है। आठों भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे। असुर महानायक, आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा।
रथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आपने उचित कहा था, भंडासुर ने अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा। वो पुनः युद्ध के लिए अपनी सेना को एकत्रित कर रहा है। माता, कल उसके 17 महायोद्धाओं की पराजय के बाद अब वो अपने सर्वाधिक युद्ध कुशल योद्धाओं को भेजेगा, तो हमारी ओर से कौन देविया युद्ध करेंगी? कदम्ब वन शालया कुछ भरोल्लसन मालया कुचोपमित शैलया गुरु कृपाल सत्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयम लीलया। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी पाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को भेज रहा है, तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को। ये कैसा प्रकाश, कैसा दृश्य था। हमारे सेनापति होने के नाते तुम्हें वो देवास्त्र दूंगा जिसका आघात अत्यंत भयानक होगा। विद्युत अस्त्र, नागास्त्र, वृणास्त्र, वायुअस्त्र, यमास्त्र, असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। एक
105 ब्रह्मांडों के देवताओं की शक्ति जिसमें समाहित है, ये वो देवास्त्र है। अर्थात हमारे 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 शस्त्रों से 105 गुना अधिक शक्तिशाली। शत्रु सेना हमारे प्रहार से त्राही त्राही कर उठेगी। आप पिताश्री, उन नारियों को ऐसी पराजय देंगे कि उनका गर्भ धूल में मिल जाएगा। नारियों को सर्वाधिक गर्व अपने अलंकार पर होता है, जिसका प्रतीक वो वेणी होती है, जिससे अपने वो बंधे केशों का श्रृंगार करती है। उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है पिताश्री, आज्ञा दीजिए। विजयी भावा, विजयी भावा, विजयी भावा। स्वामी, एक नन्ही योद्धा देवी बाल त्रिपुर सुंदरी से युद्ध के लिए भंडासुर ने अपने युवा योद्धाओं को कितने शक्तिशाली अस्त्र प्रदान कर दिए हैं। मात्र 8 वर्ष की देवी तिरस्करणी इन भयानक योद्धाओं का सामना कैसे करेगी? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता। कितना आनंद आ रहा है मुझे। ये असुर सेना भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु माता बाल त्रिपुर सुंदरी को देखकर तो ये आभास हो रहा है जैसे उन्हें युद्ध की कोई चिंता ही नहीं। सृष्टि गोपाल वैभव से भरकर सभी के हृदय को शांत और शीतल करने वाली प्रकृति की ये मनमोहक सुंदरता ही सभी स्थानों पर सदैव रहनी चाहिए, किंतु वो दुष्ट मूर्ख ये सत्य कहाँ समझेंगे जो सत्ता और अधिकार के लालच में सभी स्थानों को युद्ध भूमि बनाने पर आतुर रहते हैं। मात्र एक बालिका ये युद्ध करेगी हमारी सेना से? नहीं नहीं, ये मैं क्या विचार कर रहा हूं। मात्र 8 वर्ष की बालिका मेरे बलशाली पुत्रों का वध कैसे कर सकती है? मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। हाँ,
अब तो मेरे पुत्रों को विजयी होकर उनके श्रृंगार के चिन्ह वीणी लाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे मैं उपहार समझूं अपनी पुत्री को दूंगा। ये विचित्र मूषक क्या चाहता है? अवसर पाते ही मैं यहाँ से उछल हो जाऊंगा। कहाँ चले? मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ, मुझे शीघ्र एक विशेष कार्य करना है, तो मुझे जाने दो। हाँ शीघ्रता तो मुझे भी है बहुत विशेष कार्य करने की, तभी तो मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। तो क्या तुम भी? नहीं मैं तो सत्य बोलने में कैसे हिचकिचाहट, कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मेरे पिता असुर राज भंडासुर के शत्रु तो नहीं हो, जो विचित्र मूषक का वेश धारण कर यहाँ आ गए? नहीं नहीं, तुम्हारे समान सरल बालिका का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? किंतु मेरे पिताश्री तो बहुत बलशाली है, असुर महानायक है, जिनसे मैं अपार स्नेह करती हूँ। वो तो अभी युद्ध भी कर रहे हैं, उनका तो शत्रु हो सकता है ना? उचित ही समझा था मैंने, ये भंडासुर की पुत्री है, शत्रु की पुत्री शत्रु इंकली। ये यहाँ किस मंशा से आया है? गणेश जी भी तो भवन में है, कहीं ये गणेश जी को हानि पहुँचाने तो नहीं आया है? इस बोलने वाले मूषक पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं भंडासुर की इस पुत्री पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे शीघ्र ही गणेश जी को उनकी दुविधा से मुक्त कराना होगा। तीन मोदक और खाए तो मेरा पेट भर जाएगा, किंतु यदि मैं रुका तो मेरा वचन भंग होगा। फिर क्या उपाय है जिससे मैं यहाँ से दूर हो सकूं, जिससे न भंडासुर मुझे अपनी ढाल बना सके और उसका प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ भी रुक जाए? मुझे प्रभु महाशिव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात वो आ रहे हैं। आज यज्ञ भूमि हो या युद्ध भूमि, विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि ये बालिका खेल सकती है, किंतु मेरे पुत्रों के समान युद्ध कदापि नहीं कर सकती। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विलासिनी। अर्थात दुष्टों की सेना समीप आ गई है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं, अरे वज्र से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है ये वज्र, और उसके साथ इन अनेकों शस्त्रों से सज्जित सासुर सेना को देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भला कैसे रोक सकेंगे? ए बालिका, जानती हो तुम किसे रोकने का दुस्साहस कर रही हो? हम महानतम भंडक तुम्हारे स्वर से
ये चिट्ठियाँ वह भी तो रही है। ये तुच्छ कीट तो कुचले जाने के लिए होते हैं, भला इनकी कौन चिंता करता है? मैं करती हूँ, मुझे है इनकी चिंता। इनके जननी को कीटों की जननी। ए बालिका, ये कोई उपवन या किसी बालिका का तितली के साथ खेलने का स्थान नहीं, युद्ध भूमि है ये, जहाँ अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरे लिए तो सारी सृष्टि मेरा उपवन, मेरे खेलने का स्थान, इसलिए जहाँ पे वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान, वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान। किंतु युद्ध भूमि तो इसे आप जैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस पालिके, बस। तुम्हें अनुमान भी है कि तुम किसका मार्ग रोक के खड़ी हो? हम महान तमसुर भंडासुर और उनके वीर भ्राताओं के पुत्र हैं। बालिका, दूर से जितनी लघु दिखती हो, तुम तो नजदीक से उससे भी लघु हो। हमारी मानता का परिचय तो हमने दे दिया, अब तुम बताओ कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसके सामने महानतम से महानतम भी झुकने पर विवश हो जाते हैं, जैसे कि तुम। साथी बालिका, तुम्हारे माता पिता ने यहाँ तुम्हें मृत्यु के समक्ष भेज दिया है, बताओ कौन है वो? मैं सबकी माता हूँ, तुम मेरी माता पिता भला कैसे हो सकते हैं? जो था, है और होगा सब मेरे ही अंश है। प्रत्येक ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति मैं ही हूँ, जो साकार होकर प्रकट हुई हूँ, इसलिए मैं ही समस्त संसार का आधार हूँ। पिता कुछ नहीं, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। एक बालिका समस्त सृष्टि का आधार। और हम सभी उसके अंश हैं। तुम ये सत्य समझ सकोगी, इसकी मुझे आशा भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी समझ तो तुम्हारे अहंकार ने भ्रष्ट कर दिए। किंतु जो सरल भक्ति का भाव रखते हैं, जो ये समझ सकते हैं, वो ये सत्य भली भांति समझ रही हैं कि मैं ही वो चैतन्य हूँ जिससे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। अर्थात माता बाल त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही बाल रूप है, हम सभी उन्हीं के अंश हैं। धन्य है माता, धन्य है उनकी लीला। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। इतनी छोटी बालिका के मुख से इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ए बालिका, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि महान तमसुर भंडासुर और हम सब में तुम्हारा अंश है। बंद करो ये अपनी मूर्खतापूर्ण बातें और हट जाओ मेरे मार्ग से, कि यहाँ एक भीषण युद्ध होने जा रहा है। तो रुके क्यों? युद्ध की इच्छा है तो आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हारी जैसी बालिका को खेलना ही शोभा देता है, युद्ध की कल्पना नहीं। वो भी हमसे, जिन्होंने 105 ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करके भेंट स्वरूप अपने पिताश्री को दे दी थी। उन 105 ब्रह्मांडों की जननी भी मैं ही हूँ, और जिस भेद की तुम बात कर रहे हो वो सत्य नहीं, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि वो सभी 105 ब्रह्मांड अभी भी मेरे पास है। अभी भी मेरे पास है।
नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी माया से हमारे सम्मुख कोई भी दृश्य प्रस्तुत करोगे और हम मान लेंगे। हमें अपने समान बालक समझ रखा है क्या? सुनो हमारी अंतिम चेतावनी बालिका, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ न ये उपवन रहेगा और न तुम्हारी ये तुच्छ कीट तितलियाँ। संसार में कोई जीव तुच्छ नहीं, किंतु दुर्जनों की तुच्छ समझ उनके मन में दूसरों की तुच्छता का भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु वो सत्य नहीं होता। जैसे ये तितली जिसे तुम तुच्छ कीट मान रहे हो, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। बालिका को और सुधार दो इसकी समझ, जिससे ये हमारी शक्ति समझ सके। प्रतीत होता है ये असुर इस सुंदर उद्यान को रण का क्षेत्र बनाकर ही रहेंगे, अतः अभी आप सभी को यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है? तो मैं भी तैयार हूँ।